कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए राजभवन के घेराव के नाम पर नाटक किया, उस सभा में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोगरा ने सारी संवैधानिक मर्यादाओं को ताक में रख कर के जिस प्रकार से संविधान प्रमुखों पर अभद्र भाषा का उपयोग किया और यहाँ तक कि उन्होंने विधायक के नाते जो शपथ ली, उस शपथ में स्पष्ट लिखा है कि हम संविधान की मर्यादाओं का पालन करेंगे, उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुँचाएंगे, उन भावनाओं को स्पष्ट चोट पहुँचाते हुए और महामहिम राज्यपाल, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में एक हल्के स्तर के शब्दों का उपयोग किया है जो कि निंदनीय है, शर्मनाक है। और इस नाते हमारी मांग है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और चूंकि इन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं के तहत जो शपथ ली उसका उल्लंघन किया है, अतः इनके सदस्यता को समाप्त किया जाए, ऐसी हमने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है। जिसको कानून का ज्ञान नहीं हो या अशिक्षित व्यक्ति हो, अगर वो कोई अपराध करता है तो उस अपराध के अंदर ये गुंजाइश होती है या समझने की कोशिश होती है कि अज्ञानता के अंदर क्या वो अपराध है, लेकिन जानकार व्यक्ति जो शपथ लिया हुआ व्यक्ति इस तरीके का अपराध करे, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करे, संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए व्यक्तियों के बारे में अपशब्द कहे और वो सार्वजनिक रूप से कहे, वो सहन करने योग्य नहीं है। और हमारी मांग है विधानसभा अध्यक्ष महोदय से कि तत्काल कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करें, लेकिन जिस तरीके की रवैया सरकार अपना रही है, हमें आशंका इस बात की भी है कि कई मान्य सदस्य ऐसे हैं जो कई महीने बीत जाने के बाद भी उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जा रहे, जबकि एक वैधानिक प्रक्रिया है कि एक समय सीमा के अंदर उनके इस्तीफे स्वीकार हो। हम चाहेंगे स्पीकर साहब को कि वो निष्पक्षता दर्शाते हुए दिखाते हुए और इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें।